मेरे सम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मिक्स वेज का सूप। जो भी वेजिटेबल्स में घर पे अवेलेबल थी, इसमें है कैबेज, बंद गोभी, थोड़ा सा बीटरूट, कैरेट्स थी, ब्लैक कैरेट्स थी, रेड कैरेट्स नहीं थी, बॉयल्ड आलू, बीन्स, मटर भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा पिकल आया था, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ लाई थी, कच्ची हल्दी का थोड़ा सा मैं वो भी तड़के में यूज़ करूँगी, और ये जिंजर मैंने की है ग्राइंड हाथ से सिलबट्टे पे ऐसे, और ये 8 से 10 बादाम बीच में डालूँगी और बहुत अच्छा सूप बनाऊँगी। देखिए, मैंने देसी घी और थोड़ा सा रिफाइंड मिक्स करके लिया है। ये देसी घी लिया मैंने 2 चम्मच और 1 चम्मच मैंने रिफाइंड लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मसाले डाल रही हूँ ड्राई अंदाजे से, जीरा और ये लौंग और दालचीनी भी छोटी छोटी सी पड़ी है, थोड़ी थोड़ी सी मैं वो डाल रही हूँ। देखिए, दालचीनी है एकदम छोटा सा पत्ता मेरे पास था, वैसे ड्राई दालचीनी डालो तो ज़्यादा अच्छा है, पाउडर मिल जाए तो, पर अभी मेरे पास यही था तो मैं यही डाल रही हूँ। जावित्री भी है, वैसे जावित्री बहुत गर्म कर देगी तो वो डालूँगी। ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और इसके अंदर मैंने जो मैंने ये पीसा है इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाल दी थी मैंने पीसने में, हाथ यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। ठीक है, और एक तेज पत्ता भी डाल रही हूँ इसमें। हाथ से मैं ये बादाम भी पीस रही हूँ रफली से, मैं बादाम डाल रही हूँ। वैसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है नींदे का, चिलगोजे का आता है डालने से, तो मेरे पास अभी चिलगोजे थे नहीं तो मैं बादाम ही डाल रही हूँ। अभी ये बादाम पिस चुके हैं तो मैं फटाफट स्पून की हेल्प ही नहीं ले रही, मैं हाथ से जल्दी से इसे निकाल के बीच पे डाल रही हूँ जल्दी से, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए हमारा सारा। इस सबको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी घी में, फिर सारी सब्जियां डालूंगी और देखिए अब मैं सबको एक तड़का दे रही हूँ, जैसे हल्का सा रोस्ट करते हैं ना वैसे कर रही हूँ सबको मैं। और इसके बाद नमक मैं 2 टाइप का डालूँगी इसके अंदर, 2 टाइप का नमक इसलिए क्योंकि ये वाला जो नमक होता है काला नमक, ये इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, और थोड़ा सा ये वाला नमक डाल दूँगी मैं, बस टेस्ट अच्छा करना है मेन तो हमें ये है। और धनिया डाल देंगे, धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबको पता है। देखिए, ये धनिया बीच में डल जाएगा, और कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च डाल रही हूँ मैं, ये कश्मीरी मिर्च है, देगी मिर्च है सिर्फ कलर के लिए। वैसे तो हमारे पास बीटरूट है, हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बीटरूट भी डाल रही हूँ और कैरेट भी। ये देखिए आप, ये सारी वेजिटेबल्स जाएंगी बीच में। देखिए आप लोग, पानी अभी इतने नहीं डाल रहे क्योंकि वेजिटेबल्स अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे, अभी बाद में पानी ऐड किया जाएगा। ये देखिए आप, तो मैं 1 बाय 1 ये सारी वेजिटेबल्स हाथ से इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। ये देखिए आप, पहले हम सिर्फ इन वेजिटेबल्स को ही
स्टीम करेंगे इसके अंदर, उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें बीन्स वगैरह सब कुछ है, मैं मटर डालना भी भूल गई हूँ। देखिए ये कच्ची हल्दी भी डाल देगी इसमें, मैं मटर डालना भूल गई हूँ तो मैं मटर भी डाल रही हूँ इसमें। ये मटर भी मैंने निकाल लिए, पर मुझे लग रहा है मटर ज़्यादा निकल गए, इसके आधे मटर ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा टमाटर का टेस्ट भी देना है, चुकंदर का भी देना है, खट्टा खट्टा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे तब मिल नहीं रही थी, अब मेरा सिस्टर का घर है तो मैंने पूछा इससे। ये देखिए ये दालचीनी पाउडर भी डाल रही हूँ बीच में इसमें। इस सबको मैं अभी सिर्फ स्टीम करूँगी और बाद में पानी करके फिर एक दो बॉयल दूँगी। और स्टार्च के लिए मैंने इसमें आलू डाला है बॉयल्ड, बॉयल्ड आलू के साथ साथ एक चम्मच में राइस भी डाल रही हूँ स्टार्च के लिए। केमिकल कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी मैं इसमें। पुलाव था बना हुआ तो उसमें से एक चम्मच में सिर्फ डाल रही हूँ ये राइस का, पुलाव का ही डाल रही हूँ। बस स्टार्च चाहिए हमें मेन डिश में, और तो मिक्स चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अभी मैं इसको कुकर बंद करके ऐसे ही स्टीम करूँगी इन वेजिटेबल्स को, और बाद में गर्म पानी ऐड करूँगी, उसके बाद ब्लेंड करूँगी। देखिए इसको अच्छे से हिला दीजिए। सब हमने स्टीम करने के लिए वेजिटेबल्स को रख दिया है, एक तरफ हम पानी बॉईल करना रख रहे हैं। मैंने आलू और पनीर फ्राई किया था देसी घी में, इसी पेन में मैं थोड़े से मखाने भी फ्राई कर रही हूँ। मैं ये भी ग्राइंड करके ऐड करूँगी सूप में जब उसे ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर की हेल्प से, क्योंकि इसमें बहुत कैल्शियम होता है और स्टार्च का काम भी करेगा ये, इसलिए ये 40 से 45 सेकंड में ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। वैसे माइक्रोवेव में भी कर सकती थी पर मेरे पास ये थी घी वाली कढ़ाई तो मैंने इसमें ही करना ठीक समझा। ये हमारा पानी भी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और इसको मैं ऐसे ही कवर करके रख रही हूँ। अभी जब सब्जियाँ स्टीम हो जाएंगी तो उसमें ऐड करूँगी। और इतने हमारे मखाने भी ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, फ्लेम बंद कर दिया क्योंकि पेन काफी गर्म हो गया था, तो इसमें ये अपने आप ही भुन जाएंगे जो पेन की गर्माहट है उसके अंदर ही, नहीं तो जलने का डर था ज्यादा देर अगर गैस ऑन रखते तो। देखिए स्टीम होने के बाद ये वेजिटेबल्स कुछ ऐसे लग रही हैं, देख रहे हैं आप लोग, अभी स्टीम हो चुकी हैं। और अब इसमें ये बॉइल्ड वाटर ऐड करूंगी इनके अंदर और फिर इसे ब्लेंड करूंगी कंबाइन करके। देखिए ऐसे लग रही है वेजिटेबल्स स्टीम होने के बाद। अब कॉर्नफ्लावर की जगह कंसिस्टेंसी देने के लिए मैं ये थोड़े से मखाने डाल रही हूँ रोस्ट किए हुए, बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे वो मखाने जो मैंने किए थे रोस्ट, तो अब मुझे थोड़े से और करने पड़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी में कभी नहीं आनी चाहिए, मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ करना नहीं चाह रही बिल्कुल भी, इसलिए 45 सेकेंड में हो जाएंगे रोस्ट आराम से। अब मैं सिलबट्टे में इसको थोड़ा सा दरदरा सा कर रही हूँ, कर ले। इसको दरदरा सा कैसे कर रही हूँ मैं, थोड़ा मैं हींग डालना भूल गई थी तो मैं घी तो है ही सही, इसमें ऐसे थोड़ी सी हींग डाली है एक पिंच और थोड़ा सॉल्ट और ऐड करूँगी, फिर से ब्लेंड करूँगी अब सबको, सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से। सबको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मैंने एक टमाटर भी और डाला है और उसको बहुत अच्छे से काढ़ूंगी इस सूप को ब्लेंड करने के बाद। इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं